मुजफ्फरनगर के थाना नई मंडी क्षेत्र के विश्वकर्मा चौक पर राष्ट्रीय लोकदल के छात्र सभा ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का पुतला दहन किया। मौके पर पहुंची थाना नई मंडी पुलिस ने रालोद छात्र सभा के नेताओं से पुतला छीना। इस दौरान थाना नई मंडी क्षेत्र के गांधी कॉलोनी चौकी इंचार्ज अनिल कुमार भी पुतले में लगी आग से झुलस गए। प्रभारी संतोष कुमार त्यागी ने सरपट दौड़ भरते हुए प्रदर्शनकारी रालोद छात्र नेताओं से पुतला छीना। थाना नई मंडी पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक रालोद नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। रालोद छात्र सभा के नेताओं की गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय लोकदल के मंडल अध्यक्ष प्रभात तोमर, जिलाध्यक्ष संदीप मलिक सहित रालोद के दर्जनों पदाधिकारी थाना नई मंडी में पहुंचे। क्या मामला है? मंडी थाने में ऐसा कोई मामला नहीं है। कुछ अपने एसडी कॉलेज के कुछ बच्चे थे, वो किसी मामले को लेकर जो पहलवानों का जो मामला चल रहा है उसमें कुछ विरोध कर रहे थे, उसमें कुछ मामला हो गया। अभी हम अधिकारियों से बात कर रहे हैं, सारे मामले की जानकारी कर रहे हैं क्या मामला है, उसके बाद ही मैं आपको क्लियर बता पाऊंगा कि पूरा मामला क्या है। नहीं, मेरी जानकारी में आपके कहने से ठीक है, आप कह रहे हैं पुतला फूंक रहे थे, पर मेरी अभी पूरी जानकारी में नहीं है। मैं अधिकारी से बात करने के, अपने पार्टी के लोगों से बात करने के बाद उसके बाद ही आपको सारी बात बता पाऊंगा। नहीं, मेरी कोई जानकारी में नहीं है। मैं अपने सब साथियों से बात करके, अधिकारियों से बात करने के बाद ही आप लोगों को कोई बता पाऊँ। नहीं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं हम, इस क्या बात हुई, क्या मामला है, अभी पूरी जानकारी तो नहीं। मैंने कह रहा आप जो कह रहे हैं ठीक है, पर मेरी जानकारी में नहीं है। जब तक मेरी पूरी जानकारी नहीं होगी मैं आपको कोई बात आगे की नहीं बता सकता। मैं अधिकारियों से बात कर रहा हूँ, मिल रहा हूँ अभी अधिकारियों से, पूरी बात कर लें। अभी सीओ साहब से बात होगी, और लोगों से बात हो रही है, मिलने के बाद अभी 10-15 मिनट में आपसे बात करेंगे, जो स्थिति होगी उससे अवगत करा दिया जाएगा आपको।